मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लगी। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश शासन के प्रवक्ता डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि जिन आवासीय पट्टा धारकों ने पट्टे की जमीन को कमर्शियल कर लिया था, उनके लिए 5% राशि जमा कर रिन्यूअल करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए वित्तीय मंजूरी दी गई है और सहकारी बैंकों के कर्मचारियों के संविलियन को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है। कैबिनेट में कॉलेज में नवीन संकाय के लिए वित्तीय मंजूरी मिली। साथ ही अब विश्वविद्यालय में दैनिक वेतन भोगी को स्थायी कर्मी का दर्जा मिलेगा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग में 68 अस्थायी पदों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सहरिया, भरिया और बेगा जनजाति के 143 युवाओं को सरकार सीधे पटवारी बनाएगी। जिन लोगों को पट्टे दिए गए थे और उन पट्टों के अंदर उन्होंने लंबे समय पुराने पट्टे थे, तो आवासीय जो पट्टे दिए थे उनका कमर्शियल भी उपयोग कर लिया था, तो उसमें जो उनको रिन्यू कराना था, आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा ये तय किया है कि वो 5% राशि जमा करा करके इसको रिन्यू करा सकते हैं। हमारे अनुसूचित जाति जनजाति बस्ती विकास योजना विद्युतीकरण का जो है, उसमें जो हमारी बस्तियां अलग अलग जगह पर बन जाती हैं, उनमें उन बस्तियों में ऊर्जीकृत होते रखे, इसलिए 520 करोड़ रुपए की स्वीकृति आज प्रदान की है। महत्वपूर्ण निर्णय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, उसकी जो 50% राशि राज्य सरकार को देना है, ऐसी 11,400 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई है, जिससे अब किसानों को ये फसल बीमा की राशि भी मिलेगी।